बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 22वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और हमने चैप्टर 19 स्टार्ट किया था, विच इज़ अबाउट द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और आज के लेक्चर में हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कुछ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। हमें मालूम है दिस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स belongs to that class of organic compound which contain carbonyl as a functional group. So C double bond O, it means because इसमें C double bond O है, it means this is unsaturated. And number second, this carbon oxygen bond is highly polar. तो एक तो चूंकि ये unsaturated है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें addition हो सकती है. Number secondly, this carbon oxygen bond is polar. क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इसमें एडिशन तो हो सकती है। सो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन बिकॉज दिस कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड द ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। और अगले स्टेप में जो ऑक्सीजन है, जो नेगेटिव चार्ज, इट विल पिक अप द प्रोटॉन एंड वी गेट द प्रोडक्ट। सो ओवरऑल चेंज क्या आई कि दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज चेंज टू सी सिंगल बॉन्ड ओ विद द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए प्रोटॉन। सो दिस इज द एडिशन। लेकिन चूंकि इसमें पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है कार्बन के ऊपर और अगले स्टेप में प्रोटॉन ने प्रोटॉन ऐड हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एडिशन कैन टेक्स प्लेस एंड दिस एडिशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो देयर मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अ प्रोटॉन अक्रॉस द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो ती जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, दैट माइट बी बेस कैटलाइज्ड और माइट बी एसिड कैटलाइज्ड। मीन्स कि सी डबल बॉन्ड ओ में एडिशन होनी है न्यूक्लियोफाइल की, और इसको हम बेस कैटलाइज्ड भी कह सकते हैं। मीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, एंड सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेस कैटलाइज एज वेल एज सम एग्जांपल ऑफ द एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो ये जनरल मैकेनिज्म है बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। सो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इट मीन वी विल यूज सम हाइड्रोक्साइड आयंस व्हिच विल एक्ट एज अ बेस। सो सबसे पहले इट विल पिक अप द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल एंड जनरेटेड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। So in the next step, this nucleophile, mean this nucleophile has two electrons or the negative charge, it will attack on this carbon and these two electrons move toward the oxygen, so oxygen will negative charge aa jayega. So agle step mein jo oxygen ko negative charge hai, it will abstract the proton from this water and we will get the addition product. So hum keh sakte hain ki this base catalyzed nucleophilic addition consists of three steps. First, generation of strong nucleophile. Second, the attack of nucleophile on the electrophilic carbon. And third, the abstraction of the proton by the oxide or the O negative ion. So, फायदा क्या है base catalyzed का? So, base is used to make the strong nucleophile. तो हमारे पास मुख्तलिफ examples हैं base catalyzed nucleophilic addition के। उस पर हम कुछ को आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ देम इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सो दिस इज आवर एल्डिहाइड एंड दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, एंड दैट हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl। तो इसमें से H ने ऑक्सीजन के पास ऐड हो जाना है और CN ने कार्बन के पास ऐड होना है, एंड डबल बॉन्ड इज चेंज टू सिंगल बॉन्ड। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल विल गो टू कार्बन and proton will go to oxygen and double bond is changed to the single bond. So this will be the OH and CN. क्योंकि ये formaldehyde है, this will called as formaldehyde cyanohydrin.
इसी तरह ये एसिटाल्डिहाइड, अगर हम इसमें HAN ऐड करेंगे तो इट विल कॉल्ड द एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये कीटोन है हमारे पास एसीटोन, तो इसमें HAN ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन का बड़ा फायदा है कि जो CN होगा, जो साइनोहाइड्रिन होगा, इफ इट इज एसिड हाइड्रोलाइज्ड तो दिस जो CN है इट इज चेंज टू COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर एक एक ओ नहीं है, दिस विल बी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे हमारे पास ये है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा लिखा है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और उसके हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। तो इसका खास नाम है एसिड, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, या इसको कहते हैं 2-hydroxypropanoic एसिड। तो ये बड़ी अहम कन्वर्जन आ सकती है पेपर में, हाउ यू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इंटू लैक्टिक एसिड। तो ये 2-step प्रोसेस होगा, फर्स्ट आप एसिटाल्डिहाइड में HCN ऐड करेंगे, यू विल मेक द साइनोहाइड्रिन एंड देन यू विल एसिडिक हाइड्रोलाइज दैट वन एंड वी विल गेट द लैक्टिक एसिड। इसके मैकेनिज्म में अगेन उसी तरह जिस हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि 3 steps, सो दिस बेस विल पिक अप द प्रोटॉन एंड इट विल कन्वर्ट टू CN नेगेटिव, दिस इज साइनाइड, इट विल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड देन इट्स अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस 2 electrons मूव टुवर्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ओ नेगेटिव आ जाएगा। और अगले स्टेप में से दिस ओ नेगेटिव विल पिक अप द प्रोटॉन एंड वी विल कट द साइनोहाइड्रिन एंड दिस OH इज जनरेटेड, जो कि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो ये एंड पे प्रोड्यूस हो गया। एक और रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सो NaHSO3, दिस इज सिमिलर टू द HCN, तो इसमें H ऑक्सीजन के पास जाके ऐड हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है SO3Na इट विल गो टू दिस कार्बन, तो इसको बोलेंगे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो चाहे ये फॉर्मल्डिहाइड होगा तो उसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज द कीटोन एडिशन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में अगर हम इस बायसल्फाइड को ऑन हीटिंग आर डाइल्यूट मिनरल एसिड रीजनरेट द पेरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर हम इस बायसल्फाइड को रखें एसिड से करवा दें हीट कर दें तो दिस विल गो बैक टू एंड वी विल गेट द रिएक्टेंट द एल्डिहाइड। सो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द सेपरेशन and purification of the carbonyl compound from non-carbonyl compounds such as the alcohol. तो हम इसको वहां से purification के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Mechanism की तरफ आ जाते हैं। First of all, this sodium bisulfite it ionizes and we get the Na positive, H positive and this SO2 negative and O negative. So this is SO3Na which we said SO3Na. So this will attack on this carbon and these 2 electrons move toward the oxygen. And then this O negative will pick up the proton and then we get the bisulfite addition product. So in summary we can say that this carbon double bond oxygen is changed to carbon single bond with the addition of proton to the oxygen and the negative part towards the carbon. एक और बड़ा अहम रिएक्शन है बेस कैटलाइज्ड का, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म मीन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म का एक्सपेरिमेंट भी लैब में दिया हुआ है। सो इसमें हम करते क्या है, ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मीथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड to give haloform. अगर हम Cl use करेंगे तो क्लोरोफॉर्म होगा, अगर हम Br use करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म होगा और अगर हम आयोडीन use करेंगे तो आयोडोफॉर्म होगा। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड मीन्स एसिटाल्डिहाइड और द मीथाइल कीटोन, मीन एक साइड पर हमें मीथाइल होना जरूरी है। रिएक्शन विद 3 molecules ऑफ द हैलोजन एंड 4 moles ऑफ द बेस, सो दिस विल break from here and on the one side we will get the salt of acid and this carbon will go to the chloroform or the haloform CHX3 NaX and water.
सो इट्स अ 3-4 स्टेप प्रोसेस. सो स्टेप बाय स्टेप यहां से एच रिप्लेस होता है और यहां पे हैलोजन अटैच होता है. तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड, तो यहां से ब्रेक होगा. सो दिस विल गो टू द हैलोफॉर्म एंड दिस विल बी द सॉल्ट ऑफ एसिड. चूंकि एसिड जो है और ये बेस की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट बन जाता है. इसी तरह ये एसीटोन है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका क्षण हम आयोडीन से करवा रहे हैं. वी विल गेट द आयोडोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड. सो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसिटेट. तो ये हमारे पास जो है ये सॉल्ट बनता है. तो ये भी एक मेथड है जिसके जरिए आप एसिड बना सकते हैं, विच विल बी द वन कार्बन लेस देन द पेरेंट एल्डिहाइड और द कीटोन. और दिस हैलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीथाइल कीटोन एंड हायर कीटोन. सिमिलरली इट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड हायर एल्डिहाइड. क्योंकि कार्बोनल के साथ एक मिथाइल का होना बहुत जरूरी है, एक मिथाइल का होना बहुत जरूरी है. जैसे हमारे पास अगर एथेनॉल होगा और प्रोपेनॉल होगा, तो एथेनॉल मीन एसिटाल्डिहाइड विल गिव दिस टेस्ट, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड विल नॉट गिव दिस टेस्ट. सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड. अब एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पे C3 होता है, फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर H होगा. सो दिस एसिटाल्डिहाइड विल गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट और फॉर्मल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा. इस तरह पेपर में आ सकता है हाउ यू डिफरेंशिएट. इसी तरह अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑल्सो गिव दिस टेस्ट हैविंग OH एट द कार्बन नंबर 2. तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मिथाइल अवेलेबल है. So secondary alcohol containing the methyl group also undergo this reaction. Ethanol is only primary alcohol that gives this reaction. तो यहाँ पर primary alcohol में methanol और ethanol है, तो यहाँ पर भी C3 marks मौजूद है. So on one side of the OH mean functional group we have must this methyl. तो यहाँ पर भी methyl मौजूद था. तो इसी तरह पेपर में आ सकता है हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन वन प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल. सो वन प्रोपेनॉल में यहाँ पे OH वन नंबर कार्बन पे होगा एंड टू प्रोपेनॉल दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. सो टू प्रोपेनॉल विल गिव दिस टेस्ट और वन प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा. इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है कि हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल. सो एथेनॉल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड मेथनॉल विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट. And halogen reaction affords a convenient method for converting a methyl ketone to the carboxylic acid containing one carbon atom less than the parent compound. तो हमने base catalyzed के तीन reactions पढ़े हैं, addition of HCN, addition of sodium bisulfite एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन. इस तरह एडिशन ऑफ ग्रिग्नर रीजेंट भी है जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि ग्रिग्नर रीजेंट एडिशन इनटू फॉर्मल्डिहाइड वी विल गेट द प्राइमरी अल्कोहल, इनटू एसिटाल्डिहाइड वी विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल एंड इन द कीटोन वी गेट द टर्शियरी अल्कोहल. नाउ कम टू द एसिड कैटलाइज्ड. सो एसिड कैटलाइज्ड एडिशन अगेन होनी तो एडिशन ही है, बट नाउ बिकॉज दिस इज एसिड कैटलाइज्ड सो फर्स्ट this oxygen it will pick up the proton and this oxygen will get the positive charge. इससे फायदा क्या हुआ कि it increases the electrophilic character of the carbon. Now इस carbon पे आसानी से attack हो सकता है. So the nucleophile will attack on this carbon and these two electrons will move to the oxygen and we will get the proton. तो इसमें overall change क्या आई है कि double bond is changed to single bond. Oxygen के साथ proton add हो गया है और carbon के साथ nucleophile add हो गया. तो जो डिफरेंस है बेस कैटलाइज्ड एंड एसिड कैटलाइज्ड, सो आई कैन से दैट द बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस कार्बन इजिली. तो इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एसिड कैटलाइज रिएक्शन हमारे बुक में दिए हुए हैं. वन ऑफ देम इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. बोथ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड
polymerize in the presence of dilute sulfuric acid to give metaformaldehyde and paraldehyde. तो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल जो फॉर्मल्डिहाइड के, they polymerize and they react through the oxygen and they make a ring. So alternate, this is CH2. तो basically ये CH2O है. So CH2O, CH2O and CH2O. So they make a six member ring, alternate oxygen and CH2. This is called as the paraformaldehyde, metaformaldehyde. और अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CHO. तो यहाँ पर भी तीन मॉलिक्यूल CH3CHO, CH3CHO एंड CH3CHO. सो दे मेक अनदर रिंग, दिस इज कॉल्ड एज द पैरा अल्डिहाइड. तो पेपर में आ जाता है द रिएक्शन ऑफ दिस एसिटाल्डिहाइड इन बेस कैटलाइज्ड एज वेल एज द एसिड कैटलाइज्ड. तो ये एसिड कैटलाइज्ड में दे पॉलीमराइजेस और बेस कैटलाइज्ड में दे मेक अ न्यू प्रोडक्ट. वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. सो एल्डिहाइड्स कंबाइन विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म द एसीटल्स. तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड, अगर हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो टू मॉलिक्यूल ऑफ दिस अल्कोहल विल एड एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. सो OC2H5, OC2H5, this is its name will be 1,1-diethoxyethane. So because this is the ether, you know, ये ether है हमारे पास. और इसका फायदा क्या है? That is used to protect the functional group. इसी acetol, and this is called acetals. If you hydrolyze them in the presence of acid, it will convert back to make the स्टार्टिंग मटीरियल एज वेल. तो इस रिएक्शन का बहुत फायदा है. सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ रिएक्शन टू प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप. सो प्रोटेक्शन मीन्स समटाइम ऐसे होता है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, तो हम उनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो दूसरे रिएक्शन ग्रुप्स को हम प्रोटेक्ट, दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. सो वी प्रोटेक्ट देम बाय रिएक्टिंग विद द सूटेबल रिएजेंट, जिनकी वजह से वो वहाँ स्टेबल हो जाते हैं. और जिस जगह पे हमें रिएक्शन करवाना होता है वहाँ से रिएक्शन करवाने के बाद वी रीजनरेट दैट फंक्शनल ग्रुप. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन. सो द रिएक्शन मे बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. टू रीजनरेट एल्डिहाइड द एसिटाइल इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड. अगर हम समरी की बात करें तो आज के लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिएक्शन में डिस्कस किया और हमने ये कहा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एडिशन हो सकती है एंड दैट एडिशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक होना है कार्बन पे एंड दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन माइट बी बेस कैटलाइज्ड, इट माइट बी एसिड कैटलाइज्ड. इफ इट इज बेस कैटलाइज्ड it will increase the nucleophilic character, it means it will generate the strong nucleophile. और अगर हम acid catalyzed की बात करें so it will create the strong electrophile. तो इसका ये difference है. base catalyzed में हमने तीन reaction study की है, addition of HCN, addition of sodium bisulfite, addition of mean or the halogen, the haloform reactions, and acid catalyzed में हमने polymerization reaction और हमने एसीटाल फॉर्मेशन और द एडिशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया. तो अगर आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स.